हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। बीएड एंड ट्रेंस के लिए आज से डाउनलोड होगा एडमिट कार्ड। 22 को होगी बीएड एडमिशन के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा। छात्र मिथिला विश्वविद्यालय की वेबसाइट से कर सकते हैं डाउनलोड। बीएड एडमिशन के लिए 22 सितंबर को होने वाले संयुक्त प्रवेश परीक्षा का एडमिट कार्ड मंगलवार से मिलना शुरू हो जाएगा। मुजफ्फरपुर सहित सूबे के तमाम जिलों के छात्र ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय की वेबसाइट से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। संयुक्त प्रवेश परीक्षा के लिए मुजफ्फरपुर में इसके लिए 30 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। 15,000 छात्र परीक्षा देंगे। शुरुआत में 21 परीक्षा केंद्र तय थे। सोशल डिस्टेंसिंग को देखते हुए 9 और परीक्षा केंद्र जिले में बढ़ाए गए हैं। वहीं राज्य के बीएड कॉलेजों में करीब 35,000 सीटों के लिए 1,25,000 छात्रों ने आवेदन किया है। बीआरए बिहार विश्वविद्यालय के 55 बीएड कॉलेजों में करीब 6,000 सीटें हैं। 22 सितंबर को परीक्षा शुरू होने के 2 घंटे पहले छात्रों को परीक्षा केंद्र पर पहुंचना होगा। परीक्षा 11 से दोपहर 1 बजे तक होगी। इसके लिए परीक्षार्थी को सुबह 9 बजे ही अपने अपने केंद्रों पर पहुंचना होगा। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए परीक्षा हॉल में प्रवेश कराया जाएगा। यह परीक्षा LNMU ले रहा है। परीक्षा से 1 दिन पहले सभी केंद्रों को सैनिटाइज किया जाएगा। किसी परीक्षार्थी को बुखार पाया गया तो उसे अलग बैठने की व्यवस्था दी जाएगी। इधर मुख्यमंत्री मुजफ्फरपुर में प्रवेश परीक्षा को लेकर विश्वविद्यालय स्तर पर तैयारी चल रही है। ऑब्जर्वर का नाम विश्वविद्यालय को भेजा गया है। ठीक है, तो अगर कोई बीमार है जैसे फीवर वगैरह है तो उनको परीक्षा से वंचित नहीं किया जाएगा, उनको अलग बैठने की व्यवस्था दी जाएगी। और टोटल सीटें जो है वो है 6,000 और उसके लिए 55 बीएड कॉलेज है जिसमें छात्रों का नामांकन होगा। तो 22 सितंबर को परीक्षा है तो आज से एडमिट कार्ड डाउनलोड शुरू हो जाएगा होना। तो आप लोग अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर ले और एडमिट कार्ड जो है वो मिथिला विश्वविद्यालय की वेबसाइट से आपको मिलेगा। मिथिला विश्वविद्यालय की वेबसाइट को खोलेंगे तो वहाँ से आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हुए फिर आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। जो भी लोग चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी मेरा नया वीडियो आएगा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और हमारे साथ बने रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।